हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट। जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी जनरल इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है, जिसको मैं लूसेंट बुक से कवर कर रहा हूँ। अभी तक हम इसमें 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अभी हमारा 4th चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है नाउन एंड द नंबर। इसके ऊपर हम लगभग 5 से 6 वीडियो बना चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने शुरू की हुई वीडियो नहीं देखी है तो आप वे वीडियो देखिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए। ये आज की वीडियो हमारी लास्ट वीडियो रहेगी। इसमें हम नाउन एंड द नंबर चैप्टर को कवर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम रहेगा नाउन एंड द जेंडर। दोस्तों, मेरा चैनल है जीके एजुकेट चैनल, जो मैंने कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से बनाया है। इसमें आपको आपके कंपटीशन की तैयारी के लिए हर तरह के सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, करंट अफेयर टॉपिक्स और जॉब से रिलेटेड भी मैं इसमें वीडियो डालता रहता हूँ। तो आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का चैप्टर नाउन एंड द नंबर। रोल नंबर 47 में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जिनका प्लूरल जो है दो टाइप से बनता है। जो भी यहाँ पे आपको वर्ड्स मिलेंगे, 7 वर्ड्स इसमें बताए गए हैं। इन 7 वर्ड्स का जो प्लूरल है वो डिफरेंट रहेगा। सेंटेंस के अंदर जो यूज है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रहेगा। इनको पढ़ते हैं और समझते हैं। फर्स्ट आ जाता है यूज ऑफ ब्रदर। ब्रदर का दो प्लूरल बनता है, एक होता है ब्रदर्स, दूसरा होता है ब्रदरन। ब्रदर्स का जो मतलब होता है वो होता है सगा भाई। एक ही माता पिता के जो पुत्र होते हैं वे आपस में सगे भाई होते हैं, उनको बोला जाता है ब्रदर्स। उनको आपस में क्या बोलते हैं? ब्रदर्स। जब दो व्यक्ति धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं या फिर समाज के अंदर दो व्यक्ति रहते हैं तो आपस में भाईचारा रखते हैं, तो इस तरह के लिए हम क्या वर्ड्स यूज करते हैं? ब्रदरन। प्लूरल में क्या यूज करेंगे? ब्रदरन। अब इनके सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है, अब सभी सहोदर भाई शांति से रहते हैं। तो सहोदर भाई मतलब सगे भाई, तो यहाँ पर हम ब्रदर्स का यूज करेंगे, ना कि ब्रदरन का। नेक्स्ट है भाई। भाइयों, अब हम लोगों को उठ खड़ा हो जाना चाहिए। यह समाज के अंदर भाईचारे को लेकर बात बात हुई है, इसलिए यहाँ पे ब्रदरन का यूज करेंगे, ना कि ब्रदर्स का। तो आप दोनों में अंतर समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ क्लोथ। क्लोथ के भी दो प्लूरल बनते हैं, एक होता है क्लोथ्स और दूसरा होता है क्लोथिज। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? क्लोथ्स का मीनिंग होता है भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े, वे कपड़े जो कि अनस्टिच्ड है। अनस्टिच्ड मतलब जो सिले नहीं है। और क्लोथिज का मतलब होता है पोशाक, ड्रेस, यूनिफॉर्म। तो दोनों का कहाँ पे क्या यूज होता है वो समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, दुकान में भिन्न भिन्न रंग के कपड़े हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े हैं। ये यूज हुआ है अनस्टिच्ड क्लोथ के लिए, यानी जो कपड़ा सिला नहीं है। तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे? क्लोथ्स का। किसका? क्लोथ्स का, ना कि क्लोथिज का। क्लोथिज का मीनिंग होता है ड्रेस। नेक्स्ट है, हम लोग जाड़ा में गर्म पोशाक पहनते हैं। तो यहाँ पे गर्म पोशाक यानी ड्रेस की बात हुई है, इसलिए यहाँ पे आएगा क्लोथिज, ना कि क्लोथ्स। तो दोनों का मतलब समझ गए होंगे। क्लोथ्स मतलब अनसिले कपड़े, बिना सिले कपड़े, और क्लोथिज होता है जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, सिले हुए कपड़े को बोला जाता है क्लोथिज। और दोनों का सिंगुलर सेम रहेगा क्या? क्लोथ। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ जीनियस। जीनियस को भी दो टाइप से प्लूरल में यूज करते हैं। फर्स्ट है जीनियसिस, सेकंड है जीनियाई। दोनों में क्या डिफरेंस है? जीनियसिस का मीनिंग होता है प्रतिभाशाली व्यक्ति, और जीनियाई का अर्थ होता है भूत, प्रेत, आत्मा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, प्रतिभाशाली व्यक्ति प्राय जीवन में महान नहीं बनते, तो प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए हम किसका यूज करेंगे? जीनियसिस। और सेकेंड है जो जीनियाई, जीनियाई का यूज नहीं करेंगे मैन। नेक्स्ट है, अलादीन के सामने दो दो प्रेत प्रकट हुए। तो यहाँ पे भूत की बात हुई है, प्रेत की बात हुई है, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? जिनाई का, ना कि जीनियसिस का। तो टू जिनाई अपीयर्ड बिफोर अलादीन। नेक्स्ट आ जाता है यूज ऑफ डाई। डाई के दो प्लूरल होते हैं, फर्स्ट होता है डाइज, सेकेंड होता है डाइस। डाइज का मीनिंग होता है सिक्के की मुहर, और डाइस का मीनिंग होता है खेलने के पासे। जो आप लूडो वगैरह खेलने के लिए जो पासा यूज करते हैं उनको बोला जाता है डाइस। अब आप समझ गए होंगे डाइस का कहाँ पे यूज होगा और डाइज का कहाँ पे यूज होगा। जहाँ पे लूडो की बात होगी वहाँ पे हम डाइस का यूज करेंगे, और जहाँ पे सिक्के के मोहर के लिए बात होगी वहाँ पे हम डाइज का यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है यूज ऑफ फिश। फिश का यूज भी दो प्रकार से होता है। फिश को भी हम दो प्रकार से प्लूरल में लिखते हैं, एक होता है फिशिज और एक होता है फिश। तो फिशिज का जो मीनिंग होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार की है, अलग अलग टाइप की मछलियाँ होती है। और फिश का जो मीनिंग होता है मछलियों के ग्रुप को बोला जाता है, मछलियों के ग्रुप समूह को बोला जाता है। जैसे फर्स्ट है देयर आर मैनी फिशिज इन द पोंड, और इसका अल्टरनेट है देयर आर मैनी फिश इन द पोंड। तो पोंड के अंदर जो है, तालाब के अंदर जो है,
मछली जो है भिन्न भिन्न प्रकार की मिलेगी, अलग अलग जाति की मिलेगी, तो इसमें किसका यूज करेंगे, फिशेज का, ना कि फिश का। नेक्स्ट है, फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, अल्टरनेट है फिशेज कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। तो यहाँ पे मछलियों के समूह के लिए बात हुई है कि चाहे किसी भी टाइप की मछली हो, हर तरह की मछली जो है वो बिना पानी के नहीं रह सकती, यानी मछलियों का समूह जो है बिना पानी के नहीं रह सकता, इसलिए इसमें यूज करेंगे फिश का। नेक्स्ट आ जाता है यूज ऑफ पेनी, तो पेनी के भी दो प्लूरल होते हैं, एक होता है पेनीज और दूसरा होता है पेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है। पेनीज का प्रयोग जो है सिक्कों की संख्या के लिए किया जाता है, सिक्कों की संख्या के लिए, उनकी क्वांटिटी के लिए किया जाता है, कितने सिक्के हैं, और पेंस का यूज किया जाता है सिक्कों के मूल्य के लिए, जो सिक्के हैं उनका क्या मूल्य है उसके लिए पेंस का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट है 6 पेंस मूल्य वाले एक सिक्के के बदले में मुझे पेनी वाले 6 सिक्के दीजिए, यानी प्लीज गिव मी 6 पेनीज फॉर 6 पेंस, और सेकंड है प्लीज गिव मी 6 पेंस फॉर 6 पेनीज। तो यहाँ पे 6 पेंस के मूल्य का सिक्का बताया, यानी 6 पेंस, और कितने सिक्के चाहिए, 6 सिक्के चाहिए, तो 6 पेनीज, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इस किताब में मेरे 6 पेंस लगे हैं, तो द बुक कॉस्ट मी 6 पेंस, तो ये कीमत बताइए, मूल्य बताया 6 पेंस, तो क्या आएगा 6 पेंस, ना कि 6 पेनीज। नेक्स्ट आ जाता है यूज ऑफ सॉर्ट, सॉर्ट के भी दो प्लूरल बनते हैं, एक रहता है सॉर्ट और सेकंड रहता है सॉर्ट्स। जो सॉर्ट का जो प्रयोग है वो गन के अंदर जो स्मॉल बॉल यूज करते हैं, गन के अंदर जो स्मॉल बॉल यूज करते हैं उसके लिए यूज होता है सॉर्ट, और जो कोई एक्टिंग के लिए शूटिंग होती है, कोई एक्टिंग के लिए शूटिंग होती है, कोई फिल्म चल रही है उसके लिए, कोई शूटिंग चल रही है तो उसके लिए हम शॉर्ट्स का यूज करते हैं, किसका, शॉर्ट्स का। जैसे हैव यू एनी शॉर्ट लेफ्ट, या हैव यू एनी शॉर्ट्स लेफ्ट, तो यहाँ पे गन के बारे में हुई है कि गन के लिए जो गोलियां बची हुई है, क्या कोई गन के लिए गोलियां बची है, तो इसके लिए किसका यूज करेंगे, शॉर्ट का। नेक्स्ट है, ही हैड 5 शॉर्ट्स, यानी उसने फिल्म की शूटिंग के लिए 5 शॉर्ट दिए हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट्स का यूज करेंगे, ना कि शॉर्ट का। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो ये थे 7 वर्ड्स जिनके जो प्लूरल है और अलग अलग कंडीशन में अलग अलग यूज होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है, नीचे कुछ नाउन दिए गए हैं जिनका प्रयोग करने में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी उन या तो उनको हम रॉन्ग लिखते हैं, या फिर दूसरा हो सकता है कि उनकी जो स्पेलिंग है वो गलत हो सकती है। जैसे लेक्चर है, लेक्चर से एडजेक्टिव बनता है लेक्चरशिप या फिर लेक्चररशिप, तो इसमें करेक्ट क्या रहेगा, लेक्चरशिप, लेक्चररशिप नहीं होता, लेक्चर जो देता है उसको लेक्चरर बोलते हैं, और उसके द्वारा जो भाषण दिया जाता है उसको बोला जाता है लेक्चरशिप, ना कि लेक्चररशिप, तो लेक्चरशिप का मीनिंग होता है भाषण। फ्री स्टूडेंटशिप, फ्री स्टूडेंटशिप का मतलब होता है छात्रवृत्ति, तो फ्री शिप नाम का कोई कोई वर्ड नहीं होता। बोर्डिंग हाउस, बोर्डिंग हाउस होता है, बोर्डिंग बोला जाता है जहाज या गाड़ी से जाने की व्यवस्था को बोर्डिंग बोलते हैं, और बोर्डिंग हाउस होता है जहाँ पर रहने की व्यवस्था होती है, तो उसको बोर्डिंग हाउस बोला जाता है, खाली बोर्डिंग नहीं बोला जाता। मेंबर्स ऑफ द फैमिली और फैमिली मेंबर्स, जनरली हम फैमिली मेंबर बोलने में यूज करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली लिखा कैसे जाता है, मेंबर्स ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट है द टीचर ऑफ इंग्लिश, और हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर नहीं लिखा जाता, करेक्ट क्या लिखा जाता है, द टीचर ऑफ इंग्लिश। वैसे कजन है, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, कोई ये मेरा कजन ब्रदर है, ये मेरी कजन सिस्टर है, हम इस तरह से बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ ब्रदर और सिस्टर नहीं लिखा जाता, खाली कजन का यूज करते हैं। ऊपर जो पढ़ कर आए हैं, ऊपर जो हमने वर्ड्स पढ़े हैं उनके ही यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, जैसे पहले लेक्चरशिप के बारे में बताया है, तो आप सिर्फ इसका मीनिंग याद रखिए, दोनों दोनों अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे दोनों के स्पेलिंग में डिफरेंस है, तो ऊपर है लेक्चररशिप और नीचे है लेक्चरशिप, तो करेक्ट क्या है, लेक्चरशिप। वैसे ही फ्री स्टूडेंटशिप यूज होगा, ना कि फ्री शिप, यानी कि दोनों वाक्य में कौन सा ठीक है, फ्री फ्रेंडशिप, फ्री स्टूडेंटशिप सेकेंड। वैसे बोर्डिंग हाउस के लिए है, आप बोर्डिंग का यूज नहीं करेंगे, किसका करेंगे, बोर्डिंग हाउस का, तो सेंटेंस कौन सा ठीक होगा, सेकेंड। मेंबर्स ऑफ द फैमिली लिखा जाएगा, ना कि फैमिली मेंबर्स, तो मेंबर्स ऑफ द फैमिली यानी सेकेंड इज करेक्ट। वैसे नेक्स्ट लिखा जाएगा द टीचर ऑफ इंग्लिश, ना कि इंग्लिश टीचर, क्या लिखा जाएगा, द टीचर ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट है कजन, कजन भी सिंपल कजन लिखा जाता है, जैसे माई कजन, ना कि माई कजन ब्रदर या फिर माई कजन सिस्टर, क्या लिखा जाएगा, माई कजन। नेक्स्ट दोस्तों रूल नंबर 49 आ जाता है, जिसमें फिर से वही बताया गया है, कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं जिनके मीनिंग अलग होते हैं, यानी इनको अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मीनिंग के रूप में यूज करते हैं, लेकिन आम तौर पर इनको एक जैसा समझा जाता है, जैसे हैबिट और कस्टम को एक माना जाता है, कोज और रीजन को एक माना जाता है, हम सोचते हैं कि दोनों को एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन रियल में इनके मीनिंग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और इनको डिफरेंटली यूज किया जाता है। कैसे, जैसे फर्स्ट हैबिट एंड कस्टम्स, हैबिट का मीनिंग्स होता है आदतें, किसकी आदतें, व्यक्ति की आदतें, व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है हैबिट, और
कस्टम होता है, रीति रिवाज। रीति रिवाज किसका? समाज या देश के लिए। समाज या देश में जो रीति रिवाज होते हैं उसके हम उसके लिए हम कस्टम का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, पुअर चिल्ड्रन ऑफन बिकम ए विक्टिम ऑफ बैड हैबिट्स, और सेकंड अल्टरनेट है, पुअर चिल्ड्रन ऑफन बिकम ए विक्टिम ऑफ बैड कस्टम्स। तो यहाँ पे पुअर चिल्ड्रन यानी व्यक्तियों के लिए यूज किया है आदत का, तो हम इसमें यूज करेंगे बैड हैबिट्स, यानी फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ट्राइबल्स इन इंडिया हैव मैनी इंटरेस्टिंग कस्टम्स, एंड अल्टरनेट है, ट्राइबल्स इन इंडिया हैव मैनी इंटरेस्टिंग हैबिट्स। तो यहाँ पे ट्राइबल्स ऑफ इंडिया यानी समाज के अंदर देश के लिए रीति रिवाज का यहाँ पे का यूज हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कस्टम्स का, ना कि हैबिट्स का। नेक्स्ट आ जाता है, कोज और रीजन में क्या डिफरेंस है और उनको हम कैसे यूज करते हैं। दोनों का हिंदी में मीनिंग होता है कारण, काज का मीनिंग भी कारण होता है और रीजन का मीनिंग भी कारण होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट काज का मीनिंग है कि हम कुछ कार्य करते हैं या फिर कुछ घटनाएं घटती है तो उससे जो रिजल्ट निकलता है उसके लिए हम काज का यूज करेंगे। एक के होने से दूसरा सेंटेंस बनता है, एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस निकलता है, एक काम होने से जो दूसरा काम निकलता है उसमें हम काज का यूज करेंगे। लेकिन जब हम किसी कारण को जस्टिफाई करेंगे, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे, तब हम किसका यूज करेंगे? रीजन का। किसका यूज करेंगे? रीजन का। जैसे फर्स्ट है, साइंटिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ फिनोमिनन। तो कोई घटना घटी है, तो घटना घटी है तो उससे क्या रिजल्ट निकल के आएगा उसके लिए साइंटिस्ट ट्राई आउट ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके उसका कारण जानने के लिए साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं। तो इसमें किसका यूज होगा? कोज का, ना कि रीजन का। वैसे नेक्स्ट है, मिस्टर ठाकुर हैज ए गुड रीजन टू बी प्लीज्ड विद हिज स्टूडेंट्स। मिस्टर ठाकुर स्टूडेंट से खुश है और उसके पास इसका एक अच्छा रीजन है, तो उसके पास एक्सप्लेनेशन है कि स्टूडेंट से मिस्टर ठाकुर खुश है, उसका जस्टिफिकेशन मिस्टर ठाकुर के पास है, तो इसलिए यहाँ पे रीजन का यूज करेंगे, ना कि कॉज का। नेक्स्ट है, यूज ऑफ मैन एंड जेंटलमैन। मैन एंड जेंटलमैन, मैन हम सिंपली यूज करते हैं किसी व्यक्ति के लिए, लेकिन जेंटलमैन एक अच्छे व्यक्ति के लिए, एक आदमी के करेक्टर को बताता है। जेंटलमैन, मैन इज अ मॉर्टल, ये तो नॉर्मली सेंटेंस है, लेकिन ही इज अ जेंटलमैन एट लार्ज, तो वह बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, उसके बारे में हम जेंटलमैन यूज करेंगे। जब किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा बताते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, तब हम यूज करेंगे जेंटलमैन का। नेक्स्ट है, यूज ऑफ शेड एंड शेडो। दोनों में क्या डिफरेंस है? शेड, शेड का यूज छाया के प्रयोग में करते हैं। शेड का क्या मीनिंग होता है? छाया। छाया किसकी? सन की। और दूसरा आता है शेडो। शेडो का मीनिंग होता है परछाई। जब किसी वस्तु की जो परछाई आपको दिखती है उसके लिए हम शेडो का यूज करेंगे, ना कि शेड का। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। जैसे फर्स्ट है, द विलेजर्स सेट अंडर द शेड ऑफ ट्रीज, और इसका अल्टरनेट है, द विलेजर्स सेट अंडर द शेड ऑफ ट्रीज। तो यहाँ पे ट्रीज की बात हुई है, तो ट्री क्या करता है? हमें सनलाइट से बचाता है। तो हम जब यहाँ पे सनलाइट की बात हुई है तो हम किसका यूज करेंगे? शेड का। और ट्रीज की शेड होती है, ना कि शेडो। ही इज ऑफन अफ्रेड ऑफ हिज ओन शेडो, और इसका अल्टरनेट है, ही इज इवन अफ्रेड ऑफ हिज ओन शेड, यानी कि वह अपनी परछाई से डरता है। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे परछाई का यूज हुआ है, तो परछाई के लिए हम किसका यूज करेंगे? शेडो का। नेक्स्ट है, यूज ऑफ कॉस्ट एंड प्राइस। कॉस्ट एंड प्राइस हम सेम समझते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जो अमाउंट शॉपकीपर के द्वारा, एक दुकानदार के द्वारा पेमेंट की जाती है उसको बोला जाता है कॉस्ट। कॉस्ट किसका होता है? कंपनी का होता है। जो किसी वस्तु को बनाने के लिए एक लागत लगती है उसको कॉस्ट बोला जाता है, जो कि शॉपकीपर के द्वारा, दुकानदार के द्वारा कंपनी को दिया जाता है। फिर वहां से वो उस वस्तु को उठाता है, फिर उस वस्तु को बाजार में बेच देता है। किसको बेचता है? कस्टमर को। तो कस्टमर जो अमाउंट पे करेगा उसको बोला जाएगा प्राइस। तो प्राइस किसके लिए यूज करते हैं? कस्टमर के लिए। और कॉस्ट यूज करते हैं शॉपकीपर के लिए। जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ प्रोडक्शन की बात हो गई है तो यहाँ पे कॉस्ट ही आएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल आइटम्स हैज गोन अप। इसका अल्टरनेटिव, द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल आइटम हैज गोन अप। तो कंपनी में जो ऑटोमोबाइल गाड़ियां तैयार की जाती है उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुका है, तो यहाँ पे कॉस्ट का यूज होगा, ना कि प्राइस का। समटाइम्स द बायर हैव टू पे हायर प्राइस फॉर द नेसेसरी आइटम्स। तो कई बार जो है कस्टमर क्या करता है, किसी वस्तु का जो प्राइस है उससे ज्यादा प्राइस पे करता है, किसी वस्तु का जो मूल्य है उससे ज्यादा मूल्य वो पे कर देता है। तो यहाँ पे बायर यानी कस्टमर के बारे में बात हुई है, इसलिए यहाँ पे प्राइस का यूज करेंगे, ना कि कॉस्ट का। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों, हाउस एंड होम। दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन यहाँ पे समझते हैं दोनों के में क्या अर्थ, दोनों के अर्थ में क्या डिफरेंस है। हाउस का यूज करते हैं ए बिल्डिंग टू लाइव इन, यानी कि हम जो घर बनाते हैं, हम जो घर बनाते हैं, हम जहाँ पर रहते हैं उसको हाउस बोला जाता है। और होम किसको बोलते हैं? जो हमारे नेटिव प्लेस होता है, यानी कि हमारे माँ बाप की जो संपत्ति होती है, माँ बाप के द्वारा बनाया घर जो होता है उसके लिए हम यूज करते हैं होम का। तो फर्स्ट है, क्वार्टर्स आर हाउस अलॉटेड टू अस फॉर ए डेफ
डेफिनेट पीरियड, और अल्टरनेट है इसका, क्वार्टर्स आर होम अलोटेड टू अस फॉर ए डेफिनेट पीरियड। तो क्वार्टर्स क्या है, क्वार्टर किसी के, क्वार्टर जो है पेरेंट्स की संपत्ति नहीं होती, माँ बाप की संपत्ति नहीं होती, ये हमें अलॉट होते हैं, इसलिए यहाँ पे यूज करेंगे हाउस का ना कि होम का। नेक्स्ट है माई होम टाउन इन मुजफ्फरपुर, अरे इसका अल्टरनेट है माई हाउस टाउन इज मुजफ्फरपुर, तो यहाँ पे होम का यूज होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ पे नेटिव प्लेस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है यूज ऑफ कस्टमर एंड क्लाइंट, कस्टमर और क्लाइंट में क्या डिफरेंस है। कस्टमर का यूज किया जाता है ए बायर ऑफ गुड्स, जो वस्तुओं को खरीदता है, जो व्यक्ति वस्तुओं को खरीदता है उसको कस्टमर बोला जाता है, और जो व्यक्ति किसी काम की सर्विस अवेल करता है, किसी काम की सर्विस अवेल करता है उसको बोला जाता है क्लाइंट। सर्विस यानी कि इसमें कोई वस्तुएं नहीं खरीदी जाती, लेकिन फिर भी वो कुछ पैसे चुकाता है, किसके बदले, सर्विस लेने के बदले। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे द शॉपकीपर्स वेलकम कस्टमर्स विद स्माइल्स, एंड इसका अल्टरनेट है द शॉपकीपर्स वेलकम क्लाइंट्स विद स्माइल्स। तो दोनों में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, यहाँ पे कस्टमर यूज हुआ है, यहाँ पे क्लाइंट्स, लेकिन शॉपकीपर की बात हुई है, शॉपकीपर हमेशा वस्तुएं बेचता है, कोई सेवा प्रदान नहीं करता, तो कस्टमर्स का यूज करेंगे ना कि क्लाइंट्स का। नेक्स्ट है द लायर डिस्कसेस द केसेस ऑफ हिज क्लाइंट्स, और इसका अल्टरनेट है द लायर डिस्कसेस द केसेस ऑफ हिज कस्टमर्स। तो लायर क्या देता है, एक सर्विस देता है, ठीक है, लायर क्या देता है, सर्विस देता है, तो वहां पे हम क्लाइंट्स का यूज करेंगे ना कि कस्टमर्स का। नेक्स्ट है यूज ऑफ फ्रूट, तो फ्रूट के मीनिंग क्या है वो पढ़ लेते हैं। फ्रूट का प्रयोग जो है सामान्य रूप से फल के रूप में करते हैं, जैसे आम का, अमरूद का जो फ्रूट होता है उसके लिए हम फ्रूट यूज करते हैं, और इसको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, इसलिए इसमें हम कभी फ्रूट्स का यूज नहीं करते। जब भी फलों की बात होगी उसके साथ हम फ्रूट लगाएंगे ना कि फ्रूट्स, क्योंकि यह अनकाउंटेबल नाउन है। जब अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है तो ना तो उसको प्लूरल बनता और ना ही उसके साथ ए का प्रयोग किया जाता। जैसे यहाँ पे तीन वाक्य दिए हैं, फर्स्ट है माई वाइफ डजेंट टेक फ्रूट, सेकेंड है माई वाइफ डजेंट टेक ए फ्रूट, थर्ड है माई वाइफ डजेंट टेक फ्रूट्स। तो यहाँ पे फ्रूट्स है और यहाँ पे क्या है, फ्रूट, ए फ्रूट, तो दोनों का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, फ्रूट का। नेक्स्ट है लेकिन जब फ्रूट का प्रयोग जो है फलों के प्रकार में करते हैं, यानी हम फलों की किस्में बताते हैं, किसी एक फल की अलग अलग किस्में बताते हैं, तब तब हम फ्रूट का यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के रूप में। और जब हम किसी शब्द का यूज काउंटेबल नाउन के रूप में करते हैं तो उसके साथ हम ए का भी यूज कर सकते हैं और उसको प्लूरल भी बना सकते हैं। वैसे ही हम ए को फ्रूट के साथ जोड़ सकते हैं और फ्रूट का फ्रूट्स भी बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट है एन एप्पल इज ए फ्रूट, तो ए फ्रूट, एप्पल क्या है, एक प्रकार का फ्रूट है, तो ये एक प्रकार के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट है देयर आर टू फ्रूट्स इन बास्केट, बास्केट के अंदर दो प्रकार के फ्रूट्स है, तो यहाँ पे भी फ्रूट्स का यूज करेंगे। इसके अलावा फ्रूट्स का यूज और कहाँ पर होता है, फ्रूट्स का मीनिंग हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लाभ परिणाम पारितोषिक, तो तब हम इसका प्लूरल फॉर्म यूज कर सकते हैं, फ्रूट का प्लूरल फॉर्म होता है फ्रूट्स, तो अब हम वो यूज कर सकते हैं अगर आप इस मीनिंग में यूज करना चाहते हो फ्रूट का, लाभ परिणाम पारितोषिक, पारितोषिक। जैसे फर्स्ट है द फ्रूट्स ऑफ लेबर आर ऑलवेज स्वीट, और नेक्स्ट है द फ्रूट ऑफ लेबर इज ऑलवेज स्वीट, तो यहाँ पे एक लाभ के लिए, परिणाम के लिए फ्रूट का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज करेंगे, फ्रूट्स का ना कि फ्रूट का। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ लुक, लुक का यूज हम कहाँ पर करते हैं वो देख लेते हैं। लुक का प्रयोग जो है समय वर्ब के रूप में होता है, जिसका मीनिंग होता है देखना या फिर निगाहें डालना, लेकिन कई बार हम लुक को नाउन के रूप में भी यूज करते हैं, जिसका मीनिंग होता है देखने का कार्य करना या फिर अवलोकन करना, जांचना, तब इसको क्या माना जाता है, काउंटेबल नाउन। जब इसके साथ, जब इसको काउंटेबल नाउन मान लेते हैं तो हम इसके साथ ए का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लेट मी हैव ए लुक एट हर कॉस्टली नेकलेस, तो मुझे एक बार उसका नेकलेस निहारना है, उसका अवलोकन करना है, तो यहाँ पे किसके रूप में लुक का यूज हुआ है, नाउन के रूप में, तो इसके साथ क्या लगा सकते हैं, ए, तो ए लुक इज करेक्ट। लेकिन लुक का प्रयोग जो है चेहरे के भाव बताने के लिए, उसका रूप शक्ल आदि के बारे में एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए यूज करते हैं, तब भी इसको काउंटेबल नाउन माना जाता है और इसके साथ ए लुक यानी ए का यूज कर सकते हैं। जैसे कि ए लुक ऑफ प्लेजर नेवर कम्स टू हर फेस, तो भाव शक्ल के रूप में यहाँ पे ए लुक का प्रयोग किया है। नेक्स्ट यहाँ पर एक नोट दिया गया है जिसमें बताया कि लुक्स का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, यानी लुक के साथ हम एस लगा सकते हैं, वो कब लगाएंगे, जब जब सेंटेंस के अंदर किसी व्यक्ति के रूप की बात हुई है, उसकी शक्ल सुंदरता सौंदर्यता के बारे में बात हुई है, पर्सन अपियरेंस के बारे में बात की गई है, तब हम लुक्स का यूज करेंगे, और इसको क्या माना जाता है, प्लूरल, और जब प्लूरल माना जाता है तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का। जैसे फर्स्ट है योर लुक्स आर वेरी अट्रैक्टिव, आपकी सुंदरता बहुत ही आकर्षित है, तो यहाँ पे लुक्स का यूज होगा प्लूरल नाउन का, और उसके साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब यानी कि आर। सी हैज लॉस्ट हर लुक्स, उसने अपनी सुंदरता को खो दिया है, तो यहाँ पे भी सुंदरता सौंदर्य की बात हुई है, इसलिए यहाँ पे लुक्स का यूज करेंगे। तो योर लुक्स का अर्थ किसके लिए करते हैं,
अपीयरेंस के लिए, अपीयरेंस मतलब सुंदरता के लिए और लुक्स के लिए, सौंदर्यता के लिए, शक्ल के लिए। नेक्स्ट है यूज ऑफ टाइम। टाइम का मीनिंग भी अलग अलग टाइप से होता है, वो देख लेते हैं। टाइम का प्रयोग जो है सामान्य रूप से हम समय के अर्थ में करते हैं, समय के अर्थ में करते हैं, और उसको माना जाता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो इसके साथ ना तो हम एस जोड़ेंगे और ना ही ए लगाएंगे। जैसे फर्स्ट है, वन शुडंट वेस्ट वंस टाइम, यानी किसी को किसी का टाइम खराब नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे समय के रूप में यूज हुआ है, टाइम समय के रूप में यूज हुआ है, तो यहाँ पे सिंपल टाइम का यूज होगा। नेक्स्ट है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और बर्बादी, समय और बर्बादी किसी का इंतजार नहीं करती। तो यहाँ पे समय के रूप में टाइम का यूज करेंगे, तो हम टाइम यूज करेंगे, इसके साथ ए या फिर एस का यूज नहीं करेंगे। लेकिन कई बार जो है टाइम का मीनिंग हम रखते हैं अवसर, ओकेशन। और जब हम अवसर या ओकेशन के बारे में बात करते हैं, कभी कभी के बारे में बात करते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी के रूप में इसका यूज करते हैं, तब इसको काउंटेबल नाउन माना जाता है। फिर हम इसके साथ कुछ भी लगा सकते हैं, एस लगा सकते हैं, फिर ए या एन का यूज कर सकते हैं। जैसे आई वेंट टू सी हर सेवरल टाइम्स लास्ट वीक, आखिरी सप्ताह में मैं उसको देखने के लिए कई बार गया। तो यहाँ पे कई बार का यूज हुआ, सेवरल टाइम्स का यूज हुआ है, तो यहाँ पे टाइम्स का यूज करेंगे। आई वेंट टू सी हर सेवरल टाइम्स लास्ट वीक, तो यहाँ पे सेवरल टाइम, खाली टाइम का यूज नहीं करेंगे, क्या लगाएंगे, टाइम्स। यानी यहाँ पे एक ओकेशन की बात हुई है जिसमें बार बार चीजों को बताया है कि वह उसको कई बार देखने गया है, बार बार देखने गया है। जब हम एट टाइम्स का यूज करते हैं, एट टाइम का यूज करते हैं, तो उसका मीनिंग होता है यदा यदा, यदा कदा, कभी कभी, ओकेशनली। एट ऑल टाइम्स तो यह होता है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, ऑलवेज के लिए हम एट ऑल टाइम्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यूज ऑफ वर्क, इसका क्या मीनिंग है। वर्क का मीनिंग होता है कार्य, परिश्रम, धंधा, नौकरी, इसके लिए हम वर्क का यूज करते हैं, जो माना जाता है एक अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन जहां पर आ जाता है उसमें ना तो ए एन का प्रयोग होता है और ना ही इसमें एस जोड़ा जाता है। जैसे फर्स्ट है ही इज ए फॉन्ड ऑफ हार्ड वर्क, तो यहाँ पे हार्ड वर्क का यूज हुआ है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में, इसलिए इसके साथ एस नहीं लगाएंगे। उसके अलावा जब होम के साथ कुछ और वर्ड्स जोड़ के उनको एक शब्द बनाया जाता है, जैसे होमवर्क है, सोशल वर्क है, हाउस वर्क है, हाउस होल्ड वर्क है, तो ये एक ही वर्ड होता है जो वर्क के साथ जुड़ के बना है। इसमें भी हम खाली वर्क का यूज करेंगे, ना कि वर्क्स का। जैसे वी शुड डू अवर होमवर्क, और सेकेंड है वी शुड डू अवर होमवर्क्स, तो होमवर्क्स का यूज नहीं होगा, होमवर्क का यूज होगा। वैसे ही सोशल वर्क का यूज होगा, हाउस वर्क का यूज होगा, हाउस होल्ड वर्क का यूज होगा। उसी प्रकार से सेकंड में भी सेम है, आयरन वर्क्स, इनके साथ ऐसे लगेगा। ये सेंटेंस, ये वर्ड्स कौन से हैं, आयरन वर्क्स, स्टील वर्क्स, गैस वर्क्स, ब्रिक वर्क्स, इनका प्रयोग जो है सिंगुलर या प्लूरल दोनों सेंस में हो जाता है, और इसके साथ हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। और जिस सेंस में हम यूज करेंगे सिंगुलर या प्लूरल सेंस में, उसके अकॉर्डिंग इनके साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर या प्लूरल वर्ब। जैसे एग्जाम्पल है द स्टील वर्क्स वाज, या फिर वर क्लोज फॉर द क्रिसमस हॉलीडेज, तो यहाँ पे वर्क्स है, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, वाज का या फिर वर का। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है यूज ऑफ ट्रूप। ट्रूप का क्या मीनिंग है, ट्रूप का मीनिंग सामान्य रूप से किसमें करते हैं, व्यक्ति या पशुओं के झुंड के लिए, व्यक्ति या पशुओं के झुंड के लिए, और इसको क्या माना जाता है, काउंटेबल नाउन। जब इसको काउंटेबल नाउन माना जाता है तो इसमें हम जरूरत के मुताबिक ए का प्रयोग कर सकते हैं, और या फिर एस जोड़कर इसको क्या बना सकते हैं, प्लूरल। यानी ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं ट्रूप का, और जब हम जिस सेंस में यूज करेंगे उस सेंस के अकॉर्डिंग किसका यूज करेंगे, वर्ब का। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है ए ट्रूप ऑफ फोर्सेज वाज देयर, तो ए ट्रूप यानी सिंगुलर का यूज हुआ है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और खाली ट्रूप का यूज करेंगे। नेक्स्ट है फोर ट्रूप्स ऑफ फोर्सेज वर देयर, अब यहाँ पे प्लूरल नाउन के रूप में यूज हुआ है, ट्रूप्स का यूज हुआ है, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इसके अलावा ट्रूप्स का प्रयोग जो है सोल्जर, सैनिक के रूप में भी होता है। खाली ट्रूप का मीनिंग क्या होता है, व्यक्ति या पशुओं का झुंड, लेकिन ट्रूप्स का मीनिंग होता है सोल्जर, सैनिक। जब सोल्जर और सैनिक होते हैं तब इसको हम प्लूरल नाउन मानते हैं और प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है अवर ट्रूप्स हैव फोर्ट ब्रेवरी, अल्टरनेट है अवर ट्रूप हैव फोर्ट ब्रेवरी, तो सोल्जर्स के लिए यहाँ पे ट्रूप का यूज किया है, इसलिए यहाँ पे ट्रूप्स यूज करेंगे, ना कि खाली ट्रूप यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है यूज ऑफ योक। योक का क्या मीनिंग होता है, योक होता क्या है, इट इज ए पीस ऑफ वुड प्लेस्ड ऑन द नेक्स ऑफ ऑक्शन, तो जो बैल होती है उनके कंधे पर कुछ लकड़ी का बना हुआ एक आइटम रखते हैं, उसको बोला जाता है योक, जिससे खेत की फिर जुताई की जाती है। इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में कर सकते हैं, किसका, योक का। कैसे, जैसे डजन और स्कोर है,
उनका भी प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ एस नहीं लगाते। उसी प्रकार से योग का भी प्रयोग दोनों सेंस में करेंगे, लेकिन इसके साथ एस का यूज नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ हम ए, 1, 2, 3, 4 इस तरह के नंबर यूज कर सकते हैं, और जरूरत के मुताबिक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, ए योक ऑफ ऑक्सन वाज प्लोइंग द फील्ड, और नेक्स्ट है, फाइव योक ऑफ ऑक्सन वर प्लोइंग द फील्ड। तो यहाँ पे ए योक और फाइव योक का यूज कर सकते हैं, चाहे ए का यूज करो या फाइव का यूज करेंगे। तो ए का यूज करेंगे तो उसको सिंगुलर माना जाएगा, फाइव का यूज करेंगे तो योक को प्लूरल माना जाएगा। लेकिन फाइव बनाते वक्त हम योक का यानी एस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम योक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है यूज ऑफ ब्रेस। ब्रेस का क्या मीनिंग है? ब्रेस का मीनिंग है ए कपल, ए थिंग दैट टाइटन्स, यानी युगल के रूप में ब्रेस का यूज करते हैं, जोड़े के रूप में ब्रेस का यूज करते हैं, और इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम यूज किया जाता है, जैसे डजन और स्कोर को किया जाता है। इसके साथ जरूरत के मुताबिक ए, 1, 2, 3 काउंटिंग नंबर जोड़े जाते हैं, और उसके मुताबिक इसमें वर्ब का यूज किया जाता है, जैसे ए ब्रेस ऑफ पैट्रीज हैज बीन सोल्ड। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ए ब्रेस जो है सिंगुलर नाउन के रूप में यूज हुआ है, इसके साथ हम हैज बीन लगाएंगे। फाइव ब्रेस यानी यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ तो इसके साथ क्या लगाएंगे? हैव बीन। ब्रेस के साथ हम एस का यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब हम ब्रेस के साथ एस का यूज करते हैं ब्रेसिस, तब इसका मीनिंग अलग हो जाता है। उसका मतलब होता है पतलून लटकाने का पट्टा, लेकिन जोड़े के रूप में हम प्लूरल यूज नहीं करेंगे। अगर पतलून लटकाने के पट्टे के रूप में यूज करते हैं, बढ़ई के बर्मे के रूप में यूज करते हैं, तब हम ब्रेसिस का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, योर ब्रेसिस आर न्यू, तुम्हारा पट्टा जो है नया है, तो यहाँ पे ब्रेसिस का यूज होगा, ना कि ब्रेस का। और इसके साथ क्या लगाएंगे? प्लूरल फॉर्म। नेक्स्ट आ जाता है यूज ऑफ स्टोन। स्टोन का मीनिंग होता है 7 सेर की तोल, यानी एक क्वांटिटी की यूनिट है, मापने की इकाई है स्टोन, जिसका मीनिंग होता है 7 सेर की तोल, या फिर 14 पौंड का बार, या फिर 6.35 किलोग्राम की वस्तु। यदि हम मापने के रूप में इसका यूज करते हैं तो इसका मीनिंग आता है 7 सेर, या फिर 14 पौंड, या फिर 6.35 किलोग्राम। तो ये माना जाता है सिंगुलर फॉर्म। स्टोन को क्या माना जाता है? सिंगुलर फॉर्म। इसके साथ ए, 1, 2, 3 काउंटिंग नंबर यूज कर सकते हैं, और जरूरत के मुताबिक, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म माना जाता है। तो बाकी एग्जाम्पल देख सकते हैं। फर्स्ट में, द बेबी वेव ओनली 2 स्टोन। बेबी का, बच्चे का जो वेट है वो कितना है? 2 स्टोन है। 2 स्टोन यानी 14 दुनी 28, 28 पौंड है। तो यहाँ पे क्वांटिटी के लिए यूज हुआ है स्टोन। नेक्स्ट है, स्टोन का प्रयोग जो है इस टाइप से भी हो सकता है, पत्थर के रूप में पथरी, रत्न के बारे में मनी, डेला डेला फलों की गुठली के रूप में भी स्टोन का यूज किया जाता है। फिर इसको अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन दोनों तरह से मान सकते हैं। कैसे? वो नीचे टेबल में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस टेबल में फेरिज के रूप में स्टोन का प्रयोग बताया है कि जब हम फेरिज के रूप में स्टोन का यूज करते हैं तो उसका क्या मीनिंग निकलता है। जैसे ए हार्ट ऑफ स्टोन यानी एक कठोर हृदय वाला व्यक्ति, एक्सट्रीमली क्रूल को बोला जाता है। स्टोन विल क्राई आउट, जिसका मीनिंग होता है ऐसी निर्दयता जो प्राणहीन को हिला देती है, इसका मीनिंग निकलता है ए रोंग सो ग्रेट एज टू मूव इवन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है, टू फ्री फ्रॉम स्टोन्स यानी फलों में से गुठली अलग अलगाना, जिसका इंग्लिश में मीनिंग है टू रिमूव स्टोन्स फ्रॉम फ्रूट्स। तो ये फ्रेजेज है जिनके, फ्रेजेज मतलब ये मुहावरे हैं जिनके अर्थ इस प्रकार से रहते हैं। टू गिव ए स्टोन फॉर ए ब्रेड, इसका मीनिंग होता है दिखावटी सहायता करना। टू ऑफर मॉकिंग हेल्प। नेक्स्ट है, टू किल टू बर्ड्स विद 1 स्टोन, एक पंथ दो काज को इंग्लिश मुहावरे के रूप में कैसे बोला जाता है? टू किल टू बर्ड्स विद 1 स्टोन, यानी टू ट्राई एवरी पॉसिबल मीन्स। उसी प्रकार से टू लीव नो स्टोन अनटर्न, सब प्रकार के उपाय करना। टू स्पेयर नो पेंस, इंग्लिश में इसका मीनिंग है। नेक्स्ट फेरेज है, टू स्टोन टू डेथ, डेलो से मार डालना। टू पेल्ट बाय स्टोन बाय टू पेल्ट बाय स्टोन टू डेथ। नेक्स्ट है, स्टोन हार्टेड यानी निर्दयी व्यक्ति, क्रूल क्रूल मैन। नेक्स्ट है, टू मार्क विद ए वाइट स्टोन, भाग्यवान बनाना। तो इसका मीनिंग बनता है मेक फॉर्चुनेट, स्टोनी, रिसेम्बलिंग स्टोन, या फिर फुल ऑफ स्टोन्स, पाषाणवत, या फिर पत्थरों से भरा पड़ा। नेक्स्ट है दोस्तों, यूज ऑफ 100 वेट। तो 100 वेट का मीनिंग भी वेट के रूप में करते हैं, मापने की इकाई के रूप में करते हैं, जिसका मतलब होता है 112 पाउंड, या फिर 56 सेर, या फिर 112 पाउंड, या फिर 50.8 किलोग्राम के रूप में इसका यूज करते हैं। 100 वेट का ये मीनिंग इकाई के रूप में होता है। इसके साथ हम ए, 1, 2, 3 लगा सकते हैं, क्योंकि इसको सिंगुलर नाउन के रूप में यूज करते हैं, इसलिए इसके साथ सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। जैसे ए 100 वेट ऑफ कोल वाज बोट, और 500 वेट ऑफ कोल वाज बोट। ए लगाओ या फिर फाइव लगाओ, हमेशा क्या रहेगा? 100।
दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन थोड़ा बहुत बचा है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा और बचा है, इसको भी हम कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनका इंग्लिश में मीनिंग ये रहता है और हिंदी में मीनिंग ये रहता है, इनको पढ़ लेते हैं। जैसे लॉन्ग हंड्रेड, लॉन्ग हंड्रेड का मीनिंग होता है 120, 120, 100 फोल्ड यानी 100 गुना, ए 100 टाइम्स, इसका इंग्लिश में मीनिंग रहता है। बाई हंड्रेड्स अगर लिखा रहता है उसका मतलब रहता है 100 100 करके, यानी कि 100 बाई 100। हंड्रेड्स हंड्रेड्स अगर लिखा रहता है उसका मीनिंग होता है 100वां, यानी वन ऑफ द 100 इक्वल पार्ट्स। तो इनको पढ़िए और समझिए इनका मीनिंग क्या क्या है हिंदी में, फिर इंग्लिश में समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस दिए गए हैं। क्या दिए गए? प्रोनाउंस, उनका प्लूरल फॉर्म में कैसे यूज होता है, तो इनको फटाफट मैं पढ़ देता हूँ और आप भी पढ़िए और समझिए। आई का वी, ही का दे, दिस का दीज, हिज का देयर्स, हर का हर, देयर्स, हर का भी प्रयोग प्लूरल फॉर्म में होता है देयर्स के रूप में। हिम, देम, माइन, आवर्स, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट्स, देयर, मी, अस, हर, देम, योर सेल्फ, योर सेल्फ, आइदर, बोथ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, इट्स सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, यू, यू, यू का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों सेम होती है। सी का दे, डेट का दोज, हर का देयर, इच का बोथ, माई का आवर, यूअर का यूअर, यूअर का यूअर सेम है, यूअर्स का यूअर सेम है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको पढ़िए समझिए, ये भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इनकी प्लूरल फॉर्म क्या होती है। तो इनमें से आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फिर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। तो एक दो बार इनको आप पढ़ेंगे, रिविजन करेंगे, तो आपकी ये समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, और दोस्तों याद आता है लास्ट, जिसमें यहाँ पे कुछ ऑक्सिलरी वर्ब बताई गई है, फिर मेन वर्ब बताई गई है जिनका प्लूरल फॉर्म में कैसे यूज करते हैं। मेन वर्ब होते हैं एक्शन, एक्शन के लिए हम जो वर्ड्स यूज करते हैं उनको बोला जाता है मेन वर्ब, और इज एम आर या फिर वाज वर्ब, ये होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब यहाँ पर दी गई है, उनके प्लूरल फॉर्म हम देख लेते हैं। जैसे एम का होता है आर, वाज का वर, डज का डू, इज का आर, हैज का हैव, राइट्स का राइट, रीड्स का रीड, कुक्स का कुक। तो जहाँ पे एक्शन के साथ एस लगा होगा वो होता है सिंगुलर, और जब इनके साथ एस नहीं लगता वो होता है प्लूरल। ये हमेशा याद रखना, एक्शन के लिए जो वर्ड्स यूज करते हैं, क्रिया के लिए जो वर्ड्स यूज करते हैं, अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो उसके साथ हम लगाएंगे एस, अगर वो प्लूरल फॉर्म में है तब हम उसके साथ एस का यूज नहीं करेंगे, ये हमेशा याद रखना। वही यहाँ पर बताया गया है कि नाउन को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसके साथ किसका यूज करते हैं, एस, ई एस, आई एस का, लेकिन वर्ब में रहता है उल्टा, वर्ब मीन्स एक्शन में रहता है उल्टा, उसमें हम एस, ई एस, आई एस जोड़ के सिंगुलर बनाते हैं, ना कि प्लूरल। तो ये था इनका मेन कंसेप्ट, नाउन और वर्ब को प्लूरल बनाते हैं तो हम कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो, और ये वीडियो यहीं पर ही खत्म हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम रहेगा नाउन एंड द जेंडर। इसके बाद इस चैप्टर में इसके बाद प्रैक्टिस सेट बचता है, उसको आप करिए, पूरा कंप्लीट करिए, जितना ज़्यादा करेंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी हो जाएगी। फिर भी आपको किसी भी तरह का कोई डाउट रहता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों नाउन एंड द नंबर का चैप्टर यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, तब जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या फिर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या फिर करंट अफेयर के टॉपिक्स हो, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।